नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज आपको 5105 की जगह हम जो है 5205 ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी सर्वश्रेष्ठ ट्रैक्टर है और 45 HP का ट्रैक्टर है। और इसके जो मेन जो फंक्शन है वे आपको आज हम आपको 48 HP का ट्रैक्टर है उसकी जो मेन जानकारी आप तक पहुँचाएंगे कि इस ट्रैक्टर में ऐसे क्या बदलाव हैं जो दोनों में डिफरेंट है। तो दोस्तों मेन चीज़ आती है किसान के लिए, तो किसान भाइयों जो इस ट्रैक्टर के अंदर दो हाइड्रोलिक आती हैं, जो कि एक हाइड्रोलिक आती है जोनडियर की अपनी, जिसमें ये वाले लीवर आते हैं, ये तो मेटा की हाइड्रोलिक है जो कि मैसी की तरह होती है बिल्कुल सेम। उसके बाद में इसकी दूसरी पहचान मैं आपको बताऊं, इसकी सेंसिविटी यहाँ से होती है बिल्कुल पास से, और इसकी जो सेटिंग है वो काफ़ी बेटर है। और इसके अंदर दो सेंसिंग वॉल होते हैं जो कि स्प्रिंग होती हैं, मैसी में ये सिंगल होता है लेकिन इसमें डबल है, तो और भी स्मूथ सेंसिंग है। दूसरी बात, जब इसे आप अप और डाउन करते हो तो ये झटके नहीं देता, यानी कि जो जोनडियर की अपनी हाइड्रोलिक है वो इतनी उठाती है, और ये आप इसे एकदम डाल दो या एकदम उठा लो, हमेशा यही एक ही चाल पे चलती है। तो दोस्तों ये तो रही मेटा की हाइड्रोलिक की बात। उसके बाद में बैक में चलते हैं, दूसरा ट्रैक्टर भी 5205 ही है और टू व्हील ड्राइव ही है। इसकी हाइड्रोलिक की बात करें तो इसमें आपको एक ऑप्शन फालतू मिलता है जो कि ट्रांसपोर्ट लॉक का है, स्पीड कंट्रोलर आपको इसमें भी मिलता है और उसके अंदर भी मिलेगा। बाकी आती है बात हाइड्रोलिक की, हाइड्रोलिक इसकी ये जोनडियर की अपनी हाइड्रोलिक है, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन ये फालतू मिल जाता है, तो दो ऑप्शन का लालच है थोड़ा सा। बाकी मेटा की हाइड्रोलिक किसान के लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि फार्मर कल्टीवेटर पर चलाता, गन्ना बोने में चलाता, आलू की बीजने की मशीन चलाता है। उसके बाद में इस ये जोनडियर की हाइड्रोलिक आती है। तो दोस्तों जोनडियर की हाइड्रोलिक में एक जगह ही सेंसिंग होती है, आप देख सकते हो, और इसकी सेंसिंग पहले वहाँ जाती है आगे से घूम करके, जब लीवर अप डाउन करते हैं तब इसकी सेंसिंग यहाँ से ड्राफ्ट लीवर और पोजिशन लीवर सेटअप करते हैं। तो साथ में इसकी जो ये प्लंटर ड्राइव है, इसकी जो बहुत ही अच्छी फेमस चीज़ है, तो देखो जोनडियर ने काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं इसके बारे में, ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। बाकी हाइड्रोलिक इसकी आप यहाँ से लिफ्ट की कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हो। और आज मैं आपको जानकारी दे दूँ, 5105 जो ट्रैक्टर है उसके साथ में एक ट्रैक्टर खड़ा है 5310। अब इसकी हाइड्रोलिक के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर तीन सेंसिंग पॉइंट क्यों दिए गए हैं जबकि उसमें भी तीन ही दिए हुए हैं और उसमें दो दिए हुए हैं। तो दोस्त तो किसान भाइयों 5310 की जो हाइड्रोलिक है उसके अंदर भी जोनडियर की अपनी हाइड्रोलिक मिलती है, आपको इसके अंदर मेटा की हाइड्रोलिक नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी सेंसिंग उस सेंसिंग से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि 5310 इनका एक कारगर और पुराना ट्रैक्टर है जो कि काफ़ी फेमस हाइड्रोलिक के साथ में आता है। किसान भाइयों अगर आप इसके नीचे वाले में लगाते हो तो इसकी सेंसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ट्रैक्टर आपका बिल्कुल अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपको लीवर दिखा देता हूँ और ट्रैक्टर के रेटेड RPM की तो तुम्हें सभी को पता है। इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक हैवी ड्यूटी, एक जो हैवी ड्यूटी है वो डबल एक्टिंग में आता है, और जो हल्का वाला वो थोड़ा सा छोटी ड्यूटी में आता है, मतलब हल्के उसमें। बाकी ये जो डिफरेंशियल लॉक है इसका थोड़ा सा हैवी है और इसका गियर बॉक्स भी हैवी है, गियर बॉक्स का सारा ही फर्क है। बाकी हाइड्रोलिक मेटा वाली नहीं है इसके अंदर, आपको बता दिया मैंने और फिर से दोहरा रहा हूँ, इसके अंदर जो हाइड्रोलिक है वो जोनडियर की अपनी हाइड्रोलिक है। और दोस्तों इस हाइड्रोलिक का कामयाब का कारण क्या है, इसका ड्राफ्ट लीवर इधर है, इसका पोजीशन लीवर इधर है, आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो जिस टाइम आप इसे वहाँ लेके जाओगे तो ये सबसे अच्छी काम करता है, यहाँ 2 नंबर पे सॉरी। और इसमें 9 इंच तक इससे गहराई ले सकते हो आप ड्राफ्ट की, स्पीड लॉक इसके अंदर भी मिलता है आपको, देख सकते हो आप। बाकी मैं फिर 5205 के पास चलता हूँ और उसके लीवर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो ये लीवर कैसे हैं, तो ये जो लीवर है ये अपोजिशन में आप देख सकते हो, इसके उल्टे लिखे हुए हैं, नहीं सीधे लिख रहे हैं भाई, गड़बड़ होगी। तो दोस्तों हम थोड़ी सी यहाँ डगमगा के, बाकी मैंने देखा था कोई सा ट्रैक्टर है इनका जिसमें उल्टी सीधे लिखी हुई है। बाकी जानकारी आपको जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, ट्रैक्टर के रेटेड RPM